हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी सीरीज़ की जिसकी कहानी आपको महाभारत या बाहुबली से कुछ अलग हटकर नहीं लगने वाली है। घटना है 1600 के जापान की, जिसे किताब के फॉर्म में 1975 में लिखा गया है और आज हम 2024 में बैठकर शोगुन सीरीज़ के नाम से इसे देख रहे हैं। ये कहानी आज भी उतनी ही रेलिवेंट, थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग है। यूँ ही नहीं कहा गया है कि क्लासिक्स टाइमलेस होते हैं, शोगुन सीरीज़ इस बात पर पूरी तरीके से खरी उतरती है। इसे आप डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं। इसमें 10 एपिसोड्स हैं, जिसके 4 एपिसोड्स आ चुके हैं, जिनका रन टाइम लगभग 55 से 70 मिनट्स के बीच का है। इस सीरीज़ में मल्टीपल लैंग्वेज आपको सुनने को मिलती है, इंग्लिश तो है ही, साथ ही आपको जापानीज़ और पोर्टुगीज़ भी सुनाई देती है। इसमें जापानीज़ को बहुत ही प्रोमिनेंटली यूज़ किया गया है, बिकॉज जो भी घटनाएँ हो रही हैं वो सारी जापान में चल रही हैं और जो भी एक्टर्स लिए गए हैं प्रोमिनेंट रोल के लिए वो भी जापानीज़ ही हैं। तो जब वो अपनी भाषा में बोलते हैं तो सब कुछ रियल फील होता है। दो, ये क्लासिक का मॉडर्न अडैप्टेशन है और कुछ क्रिएटिव लिबर्टी भी ली गई है, लेकिन द वे दिस सीरीज हैज मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ जापानीज कल्चर एंड कस्टम इज मार्वेलस। मेरे लिए ये सीरीज 9 out of 10 है। इस सीरीज में गोर, वायलेंस, प्रोफानिटी काफी हाई है और साथ में अडल्ट सीन्स भी हैं। अभी तक जो 4 एपिसोड्स आए हैं उनमें भी, सो आई वुड रिकमेंड दिस सीरीज ओनली फॉर अडल्ट्स। बीइंग इंडियंस, हम कॉलोनाइजर्स का असली चेहरा पहचानते हैं, किस तरीके से दे वर सो रैम्पेंट इन मेडिवल टाइम्स। उन्होंने लूट मचा रखी थी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज की टेरिटरी पर, वो जा कर कब्जा कर रहे थे। और यही नहीं, उनके आपस में भी बहुत मारामारी मची हुई थी, चाहे फ्रेंच हो, पोर्टुगीज हो, डच हो या इंग्लिश हो। ये किसी भी तरीके का नेविगेशनल रूट आपस में शेयर नहीं करते थे, अक्सर ही एक दूसरे की शिप पर हमला करते दिख जाते थे, लूट मार करते रहते थे। इनका एक ऑब्सेशन था, ये अपने आप को सेल्फ एंटाइटल्ड समझते थे, लैंड्स को ढूंढ ढूंढ कर उनके ऊपर कब्जा करने के लिए, एक्सप्लॉयट करने के लिए वहाँ के रिसोर्सेज को, और वहाँ के लोगों को ये सैवेजेस कहते थे। अक्सर ही ये बिजनेसमैन के फॉर्म में या तो वहाँ जाते थे या फिर रिलीजन का सहारा लेते हुए प्रीस्ट और पास्टर बनकर जाते थे वहाँ के लोगों को प्योरीफाई करने के लिए। शीप की खाल के अंदर ये जो भेड़िए थे, ये हर तरीके से वहाँ के लोगों पर फीड करते थे। बाकी सारी जगहों पर जब ये स्थितियाँ थी, तब जापान की जो परिस्थिति थी वो बिल्कुल इससे अलग थी। 1600 के टाइम एक बहुत ही पावरफुल शोगुनेट बनकर उभर कर आया और उनके जो लीडर थे उन्होंने इसे लगभग 250 साल तक मेंटेन रखा। यहाँ पर जो कहानी दिखाई जा रही है सीरीज़ में, उसमें थोड़ा क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है, फिक्शनलाइज कैरेक्टर्स डाले गए हैं, लेकिन ये जो बात है 250 साल के एम्पायर की, ये बिल्कुल सही है और उसी को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाकर। थोड़ा नहीं, काफ़ी थ्रिलिंग, इंटरेस्टिंग और रियलिज्म के करीब लगती है कहानी। सो पूरी सीरीज़ के साथ मेरा क्या देख रहा है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब। सो अबाउट द सीरीज शोगुन, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो आप 1600 का फ्यूडल जापान देखने वाले हैं, जहाँ पर सिविल वॉर की स्थिति बनी हुई है। अभी अभी राजा की डेथ हुई है, उसका हेयर काफ़ी छोटी उम्र का है। सो उसने अपने 5 रीजन्स में से अपने लॉयल लॉर्ड तोरानागा को अपने हेयर की जिम्मेदारी दे रखी है कि जब वो सही उम्र में आ जाएगा तब तक उसकी देखभाल तोरानागा करेंगे, जिससे बाकी बचे 4 रीजन्स बहुत ही नाखुश हैं। वो मौके का फ़ायदा उठाकर तोरानागा को ख़त्म कर देना चाहते हैं और उसी षड्यंत्र में फंसे हुए हैं। साथ ही वो कुछ पोर्टुगीज के साथ भी मिले हैं, जिसकी पॉलिटिक्स आपको आगे देखने को मिलेगी। दिखाए गए तोरानागा भी कोई कम बुद्धि वाले इंसान नहीं हैं, बहुत ही दूरदर्शी हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ सोच कर रखा है। उनकी किस्मत ही कहेंगे कि उनकी लाइफलाइन की तरह एक इंग्लिश यानी ब्रिटिश नेवल मर्सिनरी जापान की धरती पर आ धमकता है। वो क्वीन के ऑर्डर के अंतर्गत आया है। उसे यहाँ आकर जो पोर्टुगीज लोगों ने एक बिजनेस की मोनोपोली यहाँ पर क्रिएट कर रखी है, उसके बारे में यहाँ के लोगों को अवगत कराना है। इनफैक्ट उन्हें सरपास कर वही सेम चीज़ें करनी है, वो भी अपने अल्टीरियर मोटिव के साथ आया है, जो बाय एंड ऑफ द सीरीज़ आपको पता चलेंगी। अब जैसे ही ये तोरानागा और ये जॉन ब्लैकथॉर्न मर्सिनरी आपस में मिलते हैं, जो यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं उसमें काफ़ी कुछ उथल पुथल होने लगता है, डायनेमिक्स पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। इस उलट फेर से जो रीजन्स हैं उनकी प्लानिंग काफ़ी कुछ डिस्टर्ब
हो जाती है। तुरुनगा जॉन को एक लेडी मरीको है उनके साथ रखते हैं, वो एक ट्रांसलेटर की तरह रहती है कॉज लैंग्वेज प्रॉब्लम है यहाँ पर। अब ये जो लेडी मरीको है इनका भी कुछ बैकग्राउंड है, उनकी पास्ट हिस्ट्री है जो बीच बीच में फ्लैशेस की तरह दिखाते रहते हैं, और ऐसा लगता है कि वो काफ़ी काम एंड कंपोज तो दिख रही हैं लेकिन उनके अंदर कोई तूफान चल रहा है और काफ़ी मिस्टीरियस वो लगती रहती हैं, कुछ छुपा रही हैं। तो ये सारे इवेंट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी अनरावल होती रहती है, बार बार षड्यंत्र और ट्विस्ट एंड टर्न्स चलते रहते हैं। ये जो जॉन ब्लैकथॉर्न नाम का कैरेक्टर यहाँ पर आया है, शुरू में काफ़ी रेकलेस और रेसलेस रहता है, यहाँ के कल्चर और कस्टम से उसे बहुत अजीब होता रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि ये लोग ऑनर, सैक्रिफाइस, इन सारी चीज़ों को बहुत महत्व देते हैं, रिचुअल्स इनकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाई द एंड ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ एपिसोड वो थोड़ा काम एंड कंपोज आपको देखने वाले हैं। बात कर लेते हैं कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ द सीरीज की। इस सीरीज़ का सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव है कि ये फैंटेसी वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है और ये एक क्रिएटिव डायरेक्शन की ही निशानी है। बहुत ही ज़्यादा माइन्यूटली कल्चर, कस्टम, कॉस्ट्यूम्स, एक्सेंट, लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर्स को ध्यान में रखा गया है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल ट्रांसेंड होकर उसी एरा में पहुँच जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो लीड एक्टर हिरोयुकी सनाडा हैं वो एक वेटरन एक्टर हैं और उन्होंने अपने टर्म्स पर ही इस सीरीज़ में पार्टिसिपेट किया था। उनका ये कहना था कि क्योंकि ये क्लासिक है और अगर इसे रिक्रिएट करना है, वही फीलिंग इन्वोक करनी है कि आप उसी जगह पर हैं, वही टाइम्स चल रहे हैं, तब आपको वहीं के एक्टर्स लेने होंगे और लैंग्वेज भी वही यूज़ करनी होगी जो कि इस सीरीज़ में किया गया है और उसका आपको रियल इफ़ेक्ट भी दिखता है। बेहतरीन डायरेक्शन है जिसे बेहतरीन तरीके से हमें विजुलाइज कराया गया है। सेकंड पॉजिटिव, बढ़िया डायरेक्शन के बाद जो चीज़ इस सीरीज़ को सक्सेसफुल बना रही है वो है बढ़िया एक्टिंग, जो दोनों ही वेटरन एक्टर्स और यंग एक्टर्स ने बखूबी करी है। वेटरन एक्टर्स में हिरोयुकी सनाडा की काम, कंपोज, डीप वॉइस, पावरफुल प्रेजेंस एक मेस्मराइजिंग कैरेक्टर को जीवंत कर देती है। उस जो कैरेक्टर है उसकी डिमांड भी यही थी, वो कोई और नहीं शोगुन थे। उस इम्पैक्ट को यहाँ पर उन्हें रिक्रिएट करना था जो कि उन्होंने बखूबी किया है। सेकेंड जो कैरेक्टर मुझे काफ़ी पसंद आया है वो है लेडी मारिको का, जो अना सवाई ने किया है। वो यंग एक्ट्रेस है लेकिन जब भी वो हिरोयुकी के साथ स्क्रीन शेयर करती हैं तो कहीं भी ओवरशैडो नहीं होती हैं, उनकी भी अच्छी खासी स्क्रीन प्रेजेंस है। कॉस्मो जारवेस यहाँ पर जॉन ब्लैकथॉर्न का रोल कर रहे हैं, जो कि इंग्लिश नेवल ऑफिसर हैं, वहाँ से आए हुए हैं और काफ़ी इरिटेटिंग से आपको जगह जगह पर अभी तक चार एपिसोड्स में दिखते रहे हैं, काफ़ी डेरोगेटरी कमेंट भी करते हैं। एंड ऑफ द थर्ड से लेकर फोर्थ एपिसोड में वो थोड़े से काम एंड कंपोज दिखे हैं और कुछ रेलिवेंट बातें कर रहे हैं, इससे पहले तो वो काफ़ी रेकलेस और रेस्टलेस थे, जिसके रोल में कॉस्मो काफ़ी ठीक लग रहे हैं। तीसरी चीज़ जो मुझे सीरीज़ की काफ़ी पसंद आई है वो है इसकी कहानी, काफ़ी चिरपरिचित सी है, कुछ नया नहीं है, बहुत बार हम ये देख चुके हैं, फिर भी जो अप्रोच है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और साथ ही जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही इंटैक्ट है, कुछ भी स्कैटर्ड नहीं लगता है। अभी तक जितने भी एपिसोड्स चल रहे हैं ऐसा नहीं है रैंडम है कुछ भी और कहीं से कुछ भी घटना हो रही है, सब चीज़ के पीछे आपको लॉजिक समझ में आएगा क्या हो रहा है और इसने ऐसा क्यों किया, सडन जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं उसके पीछे भी क्या मंशा हो सकती है ये आप समझ सकते हैं। तो जो कहानी है वो प्रेडिक्टेबल होने के बाद भी इंटरेस्टिंग है, ये जो इसका स्क्रीन प्ले है उसका चार्म है। फोर्थ पॉजिटिव, मुझे सीरीज़ की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही पसंद आई है, बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके से सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, लेकिन आप इसके लुक से डिसीव मत होइएगा, ये बहुत ही खूनखार सीरीज़ है, यकीन मानिए काफ़ी खून खराबा है। तो दोनों ही जो डाइकोटोमस बिहेवियर है, ब्यूटी और वायलेंस गोर, वो आपको एट द सेम टाइम इस सीरीज़ में मिलने वाला है।
अब अगर ड्रॉबैक की बात करते हैं तो पहला नेगेटिव, म्यूज़िक मेरे लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा है। मुझे लग रहा है कि जैसे बस फिलर की तरह उसे यूज़ किया गया है, उसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है। अक्सर ही जब बढ़िया म्यूज़िक यूज़ करते हैं तो जो चल रहा है इमोशन उसको और ज़्यादा एलिवेट कर देता है वो म्यूज़िक, लेकिन ऐसी चीज़ें आपको यहाँ देखने को नहीं मिलने वाली हैं। सो दैट वॉज़ अ बिग डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी। देन सेकेंड नेगेटिव, यहाँ पर अभी आपको बहुत ज़्यादा हाईफाई एक्शन देखने को नहीं मिला है। दो वॉर की तैयारी हो रही है, काफ़ी कुछ एंड में होगा, लेकिन पहले चार एपिसोड्स में बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को नहीं मिला है, तो शायद आगे मिले। अगर ऐसा नहीं होता है तो अगेन एक्शन को मैं मिस करूँगी। बाकी मेरे लिए ये करेज, ब्रेवरी, ऑनर, सैक्रिफाइस से भरी हुई कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे काफ़ी पसंद आ रही है और आगे के एपिसोड्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। बाय बाय।